आज हम बात करेंगे रोज़े के की इंग्रेडिएंट के ऊपर। रोज़े को अरबी के अंदर कहते हैं सयाम, कुतिबा अलैकुम सयाम कमा कुतिबा अललज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। ताकि तुम क्या करो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम डर जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। तो रोज़े का जो मतलब है अरबी में, उसे कहते हैं अल-इम्साक, मतलब अपने आप को रोकना। और उसको आज के दौर में अगर हम ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। तो ये जो रोज़ा है और स्पेसिफिकली जो रमज़ान का जो हमारा महीना है, ये एक्चुअली पूरा ट्रेनिंग मंथ है हमारे लिए, जिसमें हम अपने आप को ट्रेन करते हैं। लोग सवाल करते हैं ना कि जी सब्र करना कैसे सीखें, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल कैसा है, कहाँ से आएगा, किस तरह आएगा। तो जवाब है कि आपने रमज़ान को उस तरीके से गुजारना है, उस लाइफस्टाइल के अंदर लाना है अपने आप को, तो आप इवेंचुअली देखेंगे चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रातें हो, आप अपने अंदर एक कंट्रोल फील करेंगे। मुश्किल होती है, इंसान चिड़चिड़ा होता है, ग्राउचीनेस आती है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को रोकना असल में क्या है, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। और मैं तो सहाबा के बारे में जो एक बड़ा प्यारा कॉल है, कानू रुहदानन फिल लैली व फुरसानन फिल नहार, कि सहाबा जो थे ना, वो रात के राहिब थे। रात होती थी, मसल्लों पे खड़े होते थे, क़याम करते थे, और दिन के मुजाहिद थे। ये दो क्वालिटीज़ जो है ना सहाबा के बारे में बड़ी मशहूर थी। तो अगर हम रमज़ान में देखें, अल्लाह ताला हमें उन्हीं तौर तरीक़ों के ऊपर, उन्हीं ट्रेनिंग्स के ऊपर, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर लेके आता है, जहाँ पर हम दिन के अंदर भी कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं और जहाँ हम रात के अंदर भी अल्लाह की इबादत में लगे होते हैं। तो रमज़ान को जैसा कि उसका हक है, रोज़ों के साथ, क़याम के साथ, आप उसका हक अदा करें और आप एक महीने बाद फील करेंगे कि देयर इज़ अ मैसिव चेंज आपकी रूहानियत के अंदर, आपकी जिस्मानियत के अंदर, आपके वर्ल्डली पर्सपेक्टिव और एस्पेक्ट्स के अंदर, और आपकी आखरत के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।